विद्रोह के बाद लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद यहां पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विद्रोह के बाद की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विद्रोह के बाद लाइव। एक बहुत पुराना गीत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा उस वक्त और भी तेज हो गया था जब अचलपुर नगर पालिका में नगर पालिका के चुनाव आ गए थे। शिवसेना की सीट यानी सौ सुनीता फिस्के इनको जितवाने के लिए तब ये नारा और भी बुलंद कर दिया गया था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्योंकि हिंदू समाज के भी वोट लेने थे, मुस्लिम समाज के भी वोट लेने थे। सभी को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर भाईचारे का संदेश घर घर में पहुंचाया गया। नगराध्यक्ष फिस्के मैडम को हिंदू समाज के वोट मिले ही मिले, मुस्लिम समाज के भी वोट मिले, क्योंकि मुस्लिम भाइयों को भी लग रहा था कि शायद अब ये सभी को लेकर चलने वाले हैं, तो इन्हें समर्थन देने में तो कोई हरकत नहीं है। यही बात सोचकर हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने एकजुट होकर नगराध्यक्ष सौ सुनीता फिस्के इनकी सीट लाकर बता दी। लेकिन कल तक जो गीत बज रहा था हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मतलब एक फिल्म बनी थी हम साथ साथ है, ठीक उसी के तर्ज पर नगर पालिका के चुनाव होते ही नगराध्यक्ष की सीट हाथ में आते ही हम साथ साथ है की फिल्म यहाँ से हट गई और यहाँ पर हम आपके है कौन ये फिल्म लगा दी गई। अब आप पूछेंगे कैसे, तो सबसे पहले आप एक क्लिप देख लीजिए। जैसा कि नगराध्यक्ष मैडम ने कहा कि एक वक्त पर एक ही इंसान बोलेगा, चलिए नियम के मुताबिक हम इस बात को कबूल करते हैं, तो फिर ये नियम पतिराज नरेंद्र फिस्के पर क्यों नहीं। अब इस बात को देखने के लिए अब ये दूसरी क्लिप देख लीजिए। संयुक्त जैसा कि आपने देखा कि प्रवीण पाटिल इनके साथ में नरेंद्र फिस्के ने भी बोलना शुरू कर दिया था, जबकि नरेंद्र फिस्के तो मामूली स्वीकृत नगर सेवक है। दोनों के साथ में बोलने के बावजूद भी सुनीता फिस्के इन्होंने इन्हें नहीं टोका क्योंकि ये इनके पति थे, तो क्या नियम और कायदे चेहरे देखकर लगाए जा रहे हैं। ये क्लिप जिस वक्त हमने रिकॉर्ड की थी उसी वक्त हमारे दिमाग में बात आ गई थी जो आज अब इन मुस्लिम पार्षदों के ध्यान में आ गई है। अभी हाल ही में नगर पालिका के तहत सभी पद सभापतियों का चयन किया गया। चयन किए गए सभापतियों में बांकम सभापति के पद पर प्रहार के संजय दट्टे, नियोजन व अर्थ सभापति पद पर प्रहार के ही छाया विलास भागवत, शिक्षण सभापति पद पर अपक्ष के प्राध्यापक अतुल सरोदे, आरोग्य समिति पर सुशीला इंगड़े जो कि नगर विकास आघाड़ी से थी, यानी आप अपक्ष कह सकते हैं। साथ ही महिला व बाल कल्याण सभापति पद पर भाजपा की ओर से रीना जायसवाल इनको सभापति पद दिया गया। स्थायी समिति में भी सिर्फ दो लोगों को लिया गया जिसमें से एक थे शिवसेना के गोवर्धन मेहरे और राष्ट्रवादी के मोहम्मद सलीम यानी सल्लू भाई। इस चुनाव की एक और खासियत रही, गिने चुने लोगों को छोड़कर आखिरी वक्त तक यहाँ के मुस्लिम पार्षदों को पता ही नहीं था कि सभापति पद किसे दिया जाने वाला है और किसे नहीं। अगर मुस्लिम पार्षदों की बातों पर अगर गौर करें तो उन्होंने आरोप लगाया है कि सभापति पद का चयन नगराध्यक्ष सौ सुनीता फिस्के इनके पति नरेंद्र फिस्के इन्होंने बैरम में एक पार्टी ली थी और वहीं पर सभी सभापतियों का चयन किया गया था, जिस बारे में मुस्लिम पार्षदों को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसके सबूत के तौर पर जैसे ही अचलपुर नगर पालिका में सभापतियों की चयन प्रक्रिया शुरू हुई उसी वक्त जब यहाँ के मुस्लिम पार्षदों को यह पता चल गया कि सभापति पद पर किसी भी मुस्लिम पार्षद को नहीं लिया गया, सभी ने इसका विरोध करते हुए नगर पालिका सभागृह से वॉकआउट कर दिया। इतना ही नहीं तो नगर पालिका सभागृह से बाहर आकर इन मुस्लिम पार्षद भाइयों ने विदर्भ प्रभात से बातचीत कर साफ साफ नगर पालिका प्रशासन पर यह इल्जाम लगाया कि हम मुस्लिम होने की वजह से ही हमें सभापति पद से दूर रखा गया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में इन मुस्लिम पार्षद भाइयों ने क्या कहा। मेरा सबको, सभी हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को मेरे तरफ से सबको नमस्ते। जो भी
अपने नियोजन के समिति के जो बने हैं उनको मेरी मुबारकबाद। मगर दूसरी बात एक और कि जैसा हम तो हिंदुस्तानी है मगर हमारा नाम मुसलमान है, इसलिए हमको बायकॉट के गया। हाँ जी, अचलपुर नगर पालिका में एक साल से ज़्यादा टाइम हो गया कुछ ऊपर, अभी लगू यहाँ पे कामों के ऊपर भी सब जातिवादी चालू है। और जिसका बोलबाला है उसके काम पास हो जा रहा है, अपने 35 से 40 काम डाले हुए थे, अभी लगू एक भी काम हुआ नहीं। अधिकारी को बोलते तो हो जाएगा, अध्यक्ष को बोलते तो हो जाएगा, अभी लगू काम ही नहीं। पूरी नगर पालिका में मुस्लिमों के साथ में सब जातिवादी चालू है, आने वाले 4 साल हो तक की भी जातिवादी होंगी। और मुस्लिम पैनल को पूरा एजेंडा बना के बाहर रखा गया है, सब मीटिंग पूरे भैरवों में इधर उधर आउटसाइड लिए गई, पूरे पैनल को बाहर करे गए कि हर संगठन मुस्लिम से जातिवादी कर रहा है, ठीक ये हमारा बोलना है। और ऐसी जातिवादी से एक नगर पालिका या मैनेजमेंट नहीं चलेगा, सबको लेके चलना पड़ेगा और सभी के काम एक साथ करना पड़ेगा। हमारे कामों को पीछे रखा जा रहा है और हमारे इसके पहले लेटर डाले तो लेटर गायब हो जा रहा है, दूसरे बोलते दूसरे फिर में लेटर दो। हाँ। और लेटर भी दिए जा रहा है तो कोई वो सही नहीं कर रहे, वो सही नहीं कर रहे, ऐसा मिला कि अभी लोग हमारे एक भी वार्ड में 1 रुपये का भी काम हुआ नहीं और ऐसा चार्ज भी लग रहा होंगे। इसके पहले सिर्फ अभी हमारे पालक मंत्री के सिर्फ जो पैसे आए हुए हैं वही काम की आवश्यकता दिख रही होने की, इसके बाद में ऐसी उम्मीद नहीं लग रही कि नगर पालिका से कुछ काम हो जाए। तो जैसा कि आपने देखा, जैसा कि हमने आपको पहले ही क्लिप में बता दिया था, नगराध्यक्ष फिस्के, नगराध्यक्ष सर सुनीता फिस्के, इन्होंने आम सभा में एक समय पर एक इंसान को बोलने के लिए परमिशन दी थी, जो कि वहाँ का नियम भी था। लेकिन ये नियम नगराध्यक्ष के पति नरेंद्र फिस्के इन पर लागू ही नहीं होता, क्योंकि नगराध्यक्ष का पद उन्होंने खुद ही संभाल लिया है। फिर एक ही सभागृह में नगराध्यक्ष मैडम अपने पति को कैसे रोकेंगी? ये जो अभी आपने वीडियो क्लिप देखी, ये रोकने का प्रयास किया गया था यहाँ के मुस्लिम पार्षद को, जो कि उस वक्त अपनी बात सभागृह में रख रहे थे, आम सभा में सभागृह में अपनी बात रख रहे थे। उसी वक्त नगराध्यक्ष मैडम ने साफ तौर पर ये कह दिया कि एक वक्त पर एक ही इंसान बोलेगा और आप बैठ जाओ। उन्होंने बैठने के लिए इन मुस्लिम पार्षद को कहा था, अपने पति स्वीकुट नगर सेवक नरेंद्र फिस्के को नहीं। ये हर चीज हम पहले से गौर करते आ रहे थे, लेकिन क्योंकि कोई भी मुस्लिम पार्षद इस चीज का विरोध नहीं कर रहा था, इस वजह से हमने उस वक्त इस मुद्दे को उठाना ठीक नहीं समझा। इस वक्त नगर पालिका में एक बहुत अच्छी चीज आपको दिखाई देगी, यहाँ पर पूरे नगर पालिका में आपको विरोधी पक्ष कहीं दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सभी ने एक ही रीत अपना रखी है, जिसके हाथ में जितना आए बस समेट लो। और इसी वजह से कोई भी पार्षद यहाँ पर नगराध्यक्ष का विरोध नहीं कर रहा है। कचरा ठेकों में नगराध्यक्ष इनके पति नरेंद्र फिस्के ने कितना कमीशन और कितनी कमाई कर ली है, इसकी चर्चा तो पूरे शहर भर थी। इसके बाद में यहाँ पर एक से एक कारनामे होते गए, जिसमें यहाँ के हर पार्षद का मुख्य समर्थन रहा, क्योंकि विरोध तो किसी ने किया नहीं, हर किसी को अपनी अपनी मलाई मिलते जा रही थी। यहाँ पर हम बात करेंगे मुस्लिम पार्षद सल्लू भाई की। सल्लू भाई को स्थायी समिति में सदस्य के तौर पर ले लिया गया। अब आप पूछेंगे कि इनको यहाँ पर कैसे लिया गया, तो सल्लू भाई की एक बहुत अच्छी खासियत हम आपको यहाँ बताएंगे। सल्लू भाई नगर पालिका के किसी भी कामकाज का कोई विरोध नहीं करते, अपनी ओर से कोई समस्या यहाँ पर नहीं बताते। नगराध्यक्ष फिस्के, इनके पति नरेंद्र फिस्के, इनके हाँ में हाँ मिलाना, बस यही काम इनका रह गया है। और इसी से खुश होकर और बाकी मुस्लिम पार्षदों का मुंह बंद करने के लिए, यानी हमने मुस्लिम समाज का एक पार्षद तो हमने हमारे साथ में ले लिया, इस तरह की पूरी राजनीति यहाँ पर खेली गई है अचलपुर नगर पालिका में। ये सब हुआ है आज मुस्लिम पार्षदों की आपसी फूट में। 13 से 14 मुस्लिम पार्षद आज अचलपुर नगर पालिका में है, लेकिन क्योंकि नरेंद्र फिस्के इनके हाँ में हाँ मिलाना, उनके हर बात का समर्थन करना, किसी चीज का विरोध न करना, आज इसी वजह से सभापति पद पर एक भी मुस्लिम पार्षद को नहीं लिया गया। इसके आगे तो भी अचलपुर नगर पालिका के सभी मुस्लिम पार्षद अपनी ताकत को समझते हुए, क्योंकि आज ये 1-2 नहीं तो 13 से 14 पार्षद अचलपुर नगर पालिका के है, अगर आज ये एकजुट हो जाते हैं तो हर गलत चीज का विरोध आसानी से कर सकते हैं, हर गलत चीज को आसानी से रोक सकते हैं। इसके आगे की मनमानी अगर रोकनी है तो आज की तारीख में सभी मुस्लिम पार्षदों को एकजुट होकर एक साथ में मिलना होगा, तभी जाकर इस तरह की मनमानी अचलपुर नगर पालिका में रुक सकती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। मित्रों को लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद बेल आइकन आ जाएगा, बेल आइकन को दबाते ही विद्रोह की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी।